गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकर ओवर ए लॉन्ग टाइम। आपका किसी भी प्लेस का वेदर जिसका एवरेज बहुत समय तक का एक जैसा होता है क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट आपका क्या हो गया, वो वेदर जो लंबे समय तक एक जैसा रहता है क्लाइमेट कहलाता है। इसके लिए जस्ट एग्जाम्पल है, माना एक प्लेस है वो हॉट है और उसका जब एवरेज टेम्परेचर देखा गया, एवरेज वेदर देखा गया, तो कई सालों तक उसका टेम्परेचर का एवरेज लगभग समान है, तो वो क्षेत्र वो प्लेस क्या कहलाएगा, हॉट। उसका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो आपका क्लाइमेट का मतलब हो गया लंबे समय तक एक जैसा वेदर का होना। नेक्स्ट इज मेटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेटरोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो आपके टेम्परेचर को और वेदर वेदर में आपका टेम्परेचर आया, रेनफॉल आई, ह्यूमिडिटी आई, इन सबको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, टेबल ए शिमला की है, टेबल बी मुंबई की है। दोनों टेबल में आपको 12 मंथ के मिनिमम मैक्सिमम रेनफॉल के बारे में बताया गया है। आप सब 5 डेज का अलवर का टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। बेटा अडेप्टेशन क्या होती है, आप देखिए, एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। जब आपका ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जहां पर रहते हैं उस कंडीशन को वो क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और अडेप्ट करने के बाद अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब जैसा उनका चारों तरफ का वातावरण होता है वो उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो ठंडा वातावरण हो, चाहे वो आपका बरसात वाला वातावरण हो। मतलब एनिमल्स अपने चारों तरफ के टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, या आप कह सकते हो अपने चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है उसके अनुसार जीना सीख लेते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। तो फर्स्ट अडेप्टेशन है पोलर रीजन। जो पोलर रीजन है उसके एनिमल्स कैसे लाइफ को सर्वाइव करते हैं। पोलर रीजन में बेटा चारों तरफ पोलर रीजन पूरी तरफ से कवर रहता है स्नो से, यहाँ पर बहुत ठंडी रहती है। 6 मंथ में यहाँ पर सन दिखता है तो 6 मंथ में सन नजर नहीं आता। नेक्स्ट यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। पोलर रीजन में कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे आपके देश आते हैं। पोलर रीजन के एक एनिमल्स पोलर बियर के बारे में हम पढ़ेंगे कि पोलर बियर की क्या खासियत है जो वो इस रीजन में आराम से रह सकता है। फर्स्ट है पोलर बियर के बॉडी में वाइट फर की लेयर होती है जो उसे किससे बचाती है, ठंड से बचाती है। सेकंड, आपका पोलर बियर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। पोलर बियर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो वाइट होने के कारण पोलर बियर को आसानी से कोई भी स्नो में पहचान नहीं पाता, उसका जो फर होता है वाइट होता है और स्नो भी वाइट होती है तो पहचान नहीं पाता। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है जो आराम से क्या उनके जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। लॉन्ग लंबी कर्ड क्या होती है, क्लॉज होते हैं, क्लॉज माने पंजे होते हैं जो उन्हें स्नो में चलने में या बर्फ में चलने में हेल्प करते हैं। ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन, उनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है जो उनके टेम्परेचर को मेंटेन करती है कि वो उतनी सर्दी में आराम से रह सकते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प टू स्विम, उनके पाँव होते हैं वो बहुत चौड़े और लार्ज होते हैं जिससे वो आराम से स्विम कर सकते हैं। तो पोलर बियर की ये खासियत है जो उन्हें पोलर रीजन में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है पेंगुइन की अडेप्टेशन। पेंगुइन भी आपका पोलर रीजन में रहने वाला एनिमल्स है।
देखिए ये होती है पेंगुइन्स। पेंगुइन हर्डल्स टुगेदर, एक दूसरे को उन्होंने छुपा रखा है। तो आप देखिए पेंगुइन्स लिविंग इन द पोलर रीजन। ओके पेंगुइन्स कहाँ रहती है? पोलर रीजन में। इट इज ऑल्सो वाइट। ये कैसी होती है? वाइट होती है, इनका कलर वाइट होता है ना। और पेंगुइन्स एक अच्छी पोलर बियर की तरह एक अच्छी स्विमर्स होती है, मतलब पोलर बियर की तरह ये अच्छी से स्विमिंग कर सकते हैं। देयर बॉडी आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जैसे फिश की होती है। और इनके फिट में क्या होता है? वेब्स होता है जिससे ये आसानी से मूव कर सकते हैं स्नो में, मेकिंग देम गुड स्विमर। जो आपके इनके फिट में वेब्स होता है जो उन्हें एक अच्छा स्विमर बनाते हैं। कुछ और एनिमल्स हैं पोलर रीजन में रहने वाले, फिश, मस्क, रेंडियर, फॉक्स, सील्स, ये सब भी आपके कौन से एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं। ओके स्टूडेंट।